आज मेरी जो मजलिस पढ़नी है वो सिर्फ आइन पे पढ़नी है। तो अच्छा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जब कुछ भी नहीं था, जब अल्लाह ने आपको अपने से सादिर भी नहीं किया था, ये सादिर होते हैं, खल्क नहीं होते, इनको बनाया नहीं जाता, हम बनते हैं। जब आपको अल्लाह ने सादिर नहीं किया था, आप कहाँ थे? आले मोहम्मद ने मुस्कुरा के फरमाया, हम इल्म की गहराइयों में थे। मैंने कहा, मेरी आज की मजलिस आइन पर है। इल्म किस से बनता है? आइन से। आइन को नोटिस आपने करना है। कहा हम इल्म की गहराइयों में थे, कहाँ था इनका मस्कन? आइन में था। कहा जब आप इल्म से निकले फिर कहाँ थे? कहा जब हम इल्म से निकले तब हम अर्श के आसपास थे। तो बच्चों है, फिर इनका मस्कन क्या हो गया? फिर इनका मस्कन आइन हो गया। तवज्जो है ना अली वाला। मैंने कहा आज की मेरी मजलिस आइन पे है। लफ्ज मैंने बोलने और आइन आपने नोटिस करने, साथ साथ मुझे बताते आना है। पहले हम इल्म में थे, फिर हम अर्श में आ गए, फिर उसके बाद नबियों में पुश्त दर पुश्त चलता आया शजरा। रसूल ने फरमाया, जब भी मेरा शजरा पढ़ो अदनान पे आके रुक जाया करो। तवज्जो है जियो। बात समझ में आ रही है ना कि फिर आके आइन पे रुक जाया, अदनान पे रुक जाया करो। और अदनान बनता है आइन से। रुके कहाँ पे? आइन पे आके फिर रुक गए। इसके बाद चार पुश्ते चली हैं और चारों ही आइन से हैं। तवज्जो है, तमाम मज़दूरात की तवज्जो चाहूंगी। चारों पुश्ते आइन से हैं। कैसे? अदनान के बाद है अब्दुल मनाफ, आइन से अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के बाद है हाशिम, लकब है, नाम इसका अमरुल औला है। फिर आइन आ गया। तवज्जो है। फिर ये नूर चलता हुआ अब्दुल मुतलिब में आ गया। तवज्जो है। आपकी समाज को मेरे करोड़ों सलाम। अब्दुल मुतलिब में आ गया। फिर आइन, इसमें ये नूर एक था, फिर इस नूर के दो हिस्से हो गए। ये जो नूर के दोनों हिस्से थे फिर आइन में चले गए। पूछो कैसे? एक हिस्सा अब्दुल्ला में चला गया, एक हिस्सा इमरान में चला गया, फिर आइन आ गया। मैं कहती हूँ दुनिया आइन को समझ ही नहीं सकी। जो अब्दुल्ला में चला गया टुकड़ा, उसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा, मीम बना के भेजा। जो इमरान में चला गया, जब वो दुनिया में आया अल्लाह ने उसको आइन बना के भेजा। लेकिन जब ये दुनिया में आए थे, कौन से इलाके, कौन सी जगह, कौन सी कॉलोनी में आए, कौन से टाउन में आए? रखो अलमा के सर पे कुरान, ये आए अरब में आए। आपकी समाज को मेरे करोड़ों सलाम। ये फिर आ गया आइन, इनका मस्कन आइन था। उसके बाद अल्लाह ने रसूल से कहा, दावत दो, तबलीग करो। पहली दावत हुई, कौन सी हुई? तवज्जो है, दावत जुल अशीरा। फिर आपकी समाज को मेरे फिर आइन आ गया। तवज्जो है तमाम मसूरात की। इस अशीरा की दावत में रसूल ने फरमाया, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा? उस वक्त इस मजमाए आम में से एक आइन उठा, कहा तेरी मदद करूंगा, तेरी नुसरत करूंगा। तवज्जो है। उसके बाद अल्लाह ने मीम और आइन के किए थे दो हिस्से। उसके बाद अल्लाह ने मीम और ऐन को बुला लिया मेराज पे। तवज्जो है। मीम और आइन को बुला लिया मेराज में। मेराज भी मीम और आइन के बगैर नहीं है। मेराज को लिखो, पहले मीम है फिर आइन है, उसके बाद राज। मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। वो जो एक हिस्सा जिसका नाम मीम से था, दूसरा हिस्सा जिसका नाम आइन से था, अगर मेराज हुई है मीम और ऐन के राज से तो मानना पड़ेगा खाली मीम नहीं गया था, फिर आइन भी गया था। दोनों में फर्क कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक को पर्दे में रखा, एक को पर्दे के बाहर रखा। तो जो है, ये फर्क क्यों आया?
यहाँ पे आके फर्क क्यों आ गया? तवज्जो है तमाम मसलात की। आओ मैं बताऊँ, एक नलन वो थी जिसको रसूल साफ करते थे, ये फर्क भी ना आता। फर्क आया इसलिए, एक को रसूल साफ करते थे, एक को बदूल साफ करती थी। अल्लाह दर्जात बुलंद करे आलमा नासी शहीद के, वो फरमाते जिसको रसूल ने साफ किया वो पर्दे के बाहर रह गई, जिसको बदूल ने साफ किया वो पर्दे के अंदर। ये है एक ही नूर के दो हिस्से। अल्लाह ने कहा अब मैंने इसके दो हिस्से किए थे, मगर एक वक्त आएगा जब मैं मीम और आइन को मिला दूंगा। तो बच्चों है तमाम मसलात की। ये दुनिया में अपना काम करते रहे, उसके बाद अल्लाह ने इनको वापस बुलाया। अल्लाह ने कहा अब तुम वापस आ जाओ। अच्छा ये जो सूरज है, सूरज की जो शुआएँ हैं, सूरज इनको पैदा करता है, पैदा नहीं करता, इनको खल्क नहीं करता, इन्हें अपने से साबिर करता है, निकालता है। फिर जब दिन डूबता है, जब सूरज ढलता है, ये जो शुआएं हैं ये मर जाती हैं या जाके सूरज में वापस छुप जाती हैं। आले मोहम्मद, ना अल्लाह ने इनको खल्क किया ना ही तो ये मरते हैं, ये उसी से साबिर हुए, वापस उसी में ही चले गए। अब जो इनका मस्कन है, अल्लाह का एक नाम अली भी है। आइन से आए थे, वापस आइन में चले गए, और जाहिरी तौर पर एक का मदफन अरब है, पता नहीं थके हुए हैं। फिर आइन आ गया, मैंने कहा आइन पे गौर करना है, अरब, एक का मदफन अरब है। फिर आइन आ गया, एक का मदफन इराक है। फिर आइन आ गया, अल्लाह ने कहा था ये एक ही, पहले मैंने इसके किए थे दो हिस्से, लेकिन एक वक्त आएगा जब मीम और आइन को मिला के मैं काबा की छत पे नाजिल करूंगा, और वो अपने रुख से पर्दा हटा के कहेगा जिसने एक वक्त में मोहम्मद को देखना हो, जिसने अली को देखना हो, आओ मुझ महदी की जियारत कर लो।